तनी तनी बात सजनी फिर तो ये चल जावे। फिर कब हुई बात सजनी कहिया फिर आवे। छेड़ी मोरे हाथ सजना कितना प्यार जतावे। बुझलिनी मोरे बात सजना कितना तनी बात सजनी फिर तो ये चल जावे। फिर कब हुई बात सजनी कहिया फिर आवे। छेड़ी मोरे हाथ सजना कितना प्यार जतावे। बुझलिनी क्या आपने बिना तनाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी जी। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी जी। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्ट एवं कलीसिया के नियम के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी जी। आप विवाह के पवित्र बंधन में बांध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसके कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे अमृता, मैं राजकुमार अमेरिका आता हूँ, अपनी पत्नी मानती हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वास साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। निंदिया उड़ी जाहे राती कर, याद में जागो ना रात भर। निंदिया उड़ी जाहे राती कर, याद में जागो ना रात भर। तोरे प्यार में ओ सजनी रे, तोरे प्यार में ओ सजनी रे। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर, हार माला, अंगूठी को अपनी आशीष प्रदान कर कि वह वर तेरी इच्छा और लोगों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके उससे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और मंडल का चिन्ह लीजिए। सजनी फिर तो चल जावे, फिर कबू भी बात सजनी कहिया फिर आवे। छेड़ दे मोरे हाथ सजना, कितना प्यार जतावे। बुझ लेनी मोरे बात सजना, कितना बात सजनी फिर तो चल जावे, फिर कबू हुई बात सजनी कहिया फिर आवे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारे भाई जीवन के सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरे वरदानों को क्या बदल है। हम एक दूसरे की अपने भलाई करके प्रतिदिन तेरे इच्छा के अनुसार चल सके, अपने कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करे, अपने दुख सुख पर समर्पित करे तथा तुझसे प्राप्त संतान को तेरे निकट ले चले। यह करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जो अपने दंत के जीवन के आरंभ में वेदी के सम्मुख आए हैं, ये ख्रीष्ट का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके परस्पर प्रेम में सदा एक होने हैं। सोमान पर्वतपते सम्मान के लाभ बताते हैं। पिता तूने मनुष्य को अपने मनों को स्थिर न बनाया है, ताकि पति पत्नी का पति पत्नी की तरह कर्मों से संयुक्त रहकर वे संसार में अपना कर्तव्य निभा सके। उसके धाम का पति बनाया, जिसे तुम्हें प्रेमपूर्वक अपनी प्रजा के साथ स्थापित करने की कृपा की है। तेरा उद्देश्य था अकेले वो संस्थान खरीदना। प्रार्थना करते हैं अपने सेवा सेविका राजकुमार एकनाथ और कृपा पूर्वक इनके हृदय में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर दे। प्रभु विवाह संस्कार प्राप्त करके ये आज दंपत्य जीवन में प्रवेश करते हैं। इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि इस जीवन में तेरे प्रेम का आदान प्रदान करते रहें और तन मन से होकर परस्पर तेरी उपस्थिति का प्रतीक बने। हे प्रभु, इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि जो घर में बसा रहे हैं उसे परिश्रम से संभालें और सुसमाचार के अनुसार अपने संतान का पालन पोषण कर उसे स्वर्गीय परिवार का सक्ष बनने के लिए तैयार करें। अपनी पुत्री अमृत बालक को अपने आशीष से अर्पित कर
ताकि यह पत्नी और माता का कर्तव्य भाई होने को करके विशुद्ध स्नेह से अपने घर को सुखमय बनाए और अपने सुशील स्वभाव से उसके सभा बनाए अपने सेवा हर समय को स्वीकार से देता रहे ताकि यह योग्य होना विश्वस्पति आपको दर्श पिता का कार्यभार यह तरीके से संभाल सके। हे पवित्र पिता, ये दोनों तेरे सामने निवास के सुख में मांगकर तेरे घर से दिव्य भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। हे तेरी पाता कि ये तेरे सामने तेरे प्रति भोज में सहयोगी इसका भाग्य होकर अंतर का सुखी रहे हमारे प्रभु कृष्ण द्वारा। याद में जागो ना रात भर।